A very good morning, my dear students, and welcome to e-learning classes of economics. My dear students, as we know that we are going on with our book Statistics for Economics, and from that book we are on the chapter number 2. Right? Chapter number 2, collection of data is going on, and from collection of data we have covered primary data and secondary data, sources of primary data and secondary data, as well as we have covered the methods. किस तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं या किस तरीके से हम प्राइमरी डाटा को या सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो उन तरीकों में हमने कल अपने लेक्चर नंबर 14 में पढ़ा था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, कि हाउ वी गो अहेड विद डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड. नाउ इन लेक्चर नंबर 15 वी आर गोइंग टू कवर अनदर टॉपिक. उसमें हमने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड पढ़ा था. नाउ वी विल गो अहेड विद इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड. अब हम कौन सा पढ़ेंगे, जब हम इनडायरेक्टली किसी से ओरली कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, दैट इज़ योर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड. बेसिकली दिस मेथड इज़ दैट इन विच इंफॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन्ड नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग होम द इन्फॉर्मेशन इज़ नीडेड, इट इज़ कलेक्टेड ओनली फ्रॉम अदर पर्सन हु आर एक्सपेक्टेड टू पजेस द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड में बेटा हम इन्फॉर्मेशन उन बंदों से नहीं लेते हैं जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, बल्कि वी कलेक्ट फ्रॉम अदर पर्सन्स हु आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस दी इन्फॉर्मेशन. जिनके पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट रहती है और लोगों के बारे में, फ्रॉम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड वी यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज पर्सन्स. दीज अदर पर्सन्स आर नोन एज विटनेसेस. इन अदर पर्सन्स को हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज विटनेसेस. नाउ सूटेबिलिटी, दिस मैथड इज सूटेबल पर्टिकुलरली. ये मेथड कब सूटेबल है, व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ रिलेटिवली लार्ज. अगर इन्वेस्टिगेशन का फील्ड रिलेटिवली लार्ज होता है तब ये मेथड सूटेबल है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न रिस्पोंडेंट्स. अगर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में हम नहीं आ सकते हैं कंसर्न रिस्पोंडेंट के, मीन जो रिस्पोंडेंट है, अगर हम उसके कंटेंट में नहीं आ सकते हैं उसके बारे में हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड में पढ़ते हैं. The concerned respondents are not capable of giving information because of their ignorance or illiteracy. अगर concerned respondents capable नहीं हैं information देने के, क्योंकि या तो वो illiterate हैं या वो इस बात को ignore कर रहे हैं, तो इन सब जगहों पर आपका indirect oral investigation method काफ़ी helpful रहता है. And next है आपका, investigation is so complex in nature that only experts can information. अगर इन्फॉर्मेशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि सिर्फ एक्सपर्ट्स ही उस बारे में बता सकते हैं, सो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं. हमें याद रहे कि दिस मेथड इज़ मोस्टली यूज्ड बाय गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कमिटीज़. ये मेथड को या तो गवर्नमेंट यूज़ करती है या नॉन गवर्नमेंट कमिटीज़ यूज़ करती है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के मेरिट्स क्या क्या हैं. नंबर वन, वाइड कवरेज. मीन्स इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में हम काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया आराम से कवर कर लेते हैं. इन्वेस्टिगेशन की जो फील्ड है वो काफ़ी वाइड होती है. लेस एक्सपेंसिव. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड जो है वो रिलेटिवली कम एक्सपेंसिव मेथड होता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड. मीन्स इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड इज़ लेस एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड. एक्सपर्ट ओपिनियन. अगर हम इस मेथड की बात करें तो इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, सीक्स द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट. एक्सपर्ट का ओपिनियन लेता है और उसकी हेल्प से इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है. फ्री फ्रॉम बायस. इसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं हो सकती है, बिकॉज जो पर्सन आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है ही इज़ फ्री फ्रॉम एवरी पर्सनल बायस. राइट. नाउ सिंपल. सिंपल भी होता है ये मेथड. सिंपल बेटा क्यों होता है, बिकॉज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मैथड इज़ रिलेटिवली सिंपल अप्रोच. इसकी अप्रोच कैसी होती है बेटा, इट इज़ रिलेटिवली सिंपल. सी डायरेक्ट डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मैथड में अप्रोच उतनी ज़्यादा सिंपल होती है, बट इट इज़ अ कॉस्टली अफेयर. सो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मैथड में इट इज़ सिंपल अप्रोच टू कलेक्ट द डेटा. नाउ डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं. नंबर वन, इट इज़ लेस एक्यूरेट. लेस एक्यूरेट का क्या मतलब है, ये मेथड रिलेटिवली एक्यूरेट कम होता है
क्यों? बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पर्सन्स अदर देन द कंसर्न रिस्पोंडेंट्स, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें किन्हीं और लोगों से मिलती है अदर देन द रिस्पोंडेंट्स। उसके अलावा इट्स बियास्ड, येस देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बियास, क्योंकि जो विटनेस इन्फॉर्मेशन दे रहा है अगर वो रिस्पोंडेंट के अपोजिशन में है तो वो इन्फॉर्मेशन को आपको प्योर नहीं दे पाएगा। डाउटफुल कंक्लूजन्स, दिस मेथड्स मे लीड टू डाउटफुल कंक्लूजन्स ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द विटनेसेस। अगर विटनेसेस जो हैं वो थोड़ा केयरलेसनेस से वर्क करेंगे तो इसमें कंक्लूजन डाउटफुल हो सकता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मैथड एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मैथड। अब हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस देखते हैं। नंबर वन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड की बात करें तो इसमें बंदा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आता है विद अदर पर्सन, और इनडायरेक्ट में देर इज़ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन इन्वेस्टिगेटर एंड रिस्पोंडेंट, और इनडायरेक्ट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है इन्वेस्टिगेटर और रिस्पोंडेंट का। सूटेबल, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज सूटेबल फॉर स्मॉल फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वेयर इज इनडायरेक्ट ओरल इज सूटेबल फॉर लार्ज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। रिक्वायरमेंट, इन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मैथड इन्वेस्टिगेटर्स मस्ट बी वेल वर्स्ड विद द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ रिस्पोंडेंट्स। जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मैथड में, तो आपको उस रिस्पोंडेंट की कल्चर, उसकी लैंग्वेज, सबकी नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। कॉस्ट, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मैथड कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें एफर्ट और टाइम दोनों ज़्यादा लगते हैं, और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड इज़ रिलेटिवली चीपर, और ये थोड़ा सा चीप होता है, राइट? सो दीज ऑल आर दी पॉइंट्स विच सेज कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। सो आज के लेक्चर से हमने इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड को पूरी तरीके से समझ लिया। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।